चैनल हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल एंड मोर फॉलोअर पड़ा सकोरे भगाली विहुर शुभेच्छा जाचीस। सॉरी मुझे असमित नहीं आते, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया है। या तो आज मकर संक्रांति है, यू ऑल नो दैट। शायद ये वीडियो थोड़े दिन बाद जाएगा, मकर संक्रांति के बाद जाएगा। एंड मकर संक्रांति के दिन ही आज ही एक वीडियो अपडेट हुआ है, जस्ट अनदर डे इन माई लाइफ वाला ब्लॉग अपलोड हुआ है। तो अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। एंड सो हम लोग अब सारे लोग जानते हैं, विवेक का एक फ्रेंड है राकेश, हम लोग कुछ दिन पहले जो शादी में अटेंड कर रहे थे, तो हम लोग आज राकेश के घर जा रहे हैं। उनके घर पे आज उन्होंने इनवाइट किया गया है हम लोगों को, एंड हम लोग काइट भी उड़ाएंगे थोड़ा बहुत। छता भाभी तो अभी मैं फटाफट से रेडी होके उसके बाद उन लोगों के घर पे जाऊंगी। अभी जस्ट हम लोग जिम से आए हैं, आने के बाद एक घंटा रेस्ट करके, मतलब मील खाने के बाद एक घंटा रेस्ट करके अभी शावर लेके अभी मैं रेडी होके हम लोग दोनों जाएंगे। एंड चलिए मिलते हैं काइट उड़ाने टाइम। क्या बात है, क्या बात है। लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड से उड़ा, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। बचपन में पतंग उड़ाने से पहले जब सुबह सुबह पतंग लेके चले जाते थे, हाँ। सुबह जाते थे तो रात तक ना आता रहता था ना पता रहता था। रात को जब उतरते थे संक्रांति के दिन, ऐसे जूते गिरते थे, ससुर जी कूटते थे। हाँ, मतलब तेरे ससुर जी, मेरा बाप कूटता, हाँ। था मेरे को, और वो चरक जो है मेरे ऊपर ही टूटता था। हमरा की बोले जानो, नाटाई, हाँ, लाटाई, नल्लाटाई। भैया क्या करते थे, पेपर कट करके, न्यूज़पेपर कट करके, हाँ। तो वो लोग खुद ही घर पे बनाते थे, हाँ। वो लोग खुद ही घर पे बनाते थे और खुद ही मंजा वंजा सब घर पे ही देते थे, हाँ। तोड़ फोड़ के, उसके हाँ। बाद जो उड़ाना स्टार्ट करते थे सुबह से, हाँ। शाम तक यही करते थे, हाँ। सिर्फ मकर संक्रांति के दिन नहीं, उन लोगों का हर दिन चलता था, हाँ। और शाम को दोपहर को जब खाना खाने आते थे, पापा इतना पेलते थे उसको, क्योंकि वो क्या करते थे जबकि वो काट देता था ना, किसी का भी हो काई पतंग, या खुद का भी हो, हाँ, वो भागता था पतंग पकड़ने। सब 1 रुपए का पतंग था तब, 50 पैसे में भी मिलता था, लेकिन छोटा वाला, हाँ। 1, 2, 3 रुपए, 5 रुपए तक भी मिलता था, हाँ। वो 1 रुपए के पतंग के लिए इतना दूर भागता था, और फिर हाथ पैर छिल छिल के आते थे, तो इसीलिए पापा कूटते थे। थोड़ा सा काइट उड़ाया हम लोगों ने बहुत साल नहीं, लास्ट ईयर तो मैं आसाम थी, उसके लास्ट टू लास्ट ईयर ना, लेकिन तो चिलम लास्ट ईयर भी तो थी, लास्ट ईयर आसाम थी,
लास्ट संक्रांति में। हाँ वो तो लास्ट लास्ट रहते हैं, दीदी लोग। हाँ, दीदी लोग आए थे बच्चे लोगों के साथ, विवेक ने बहुत काइट्स उड़ाए थे लास्ट 2018 आई गेस 19 सॉरी। सो पुरानी यादें ताज़ा हो गई आज बहुत दिन बाद। सो हम लोग वहाँ से लंच करके आए एंड विवेक अभी निकलेगा, कहाँ जाओगे आप? पता है मेरा एक मुझ को अपने गाड़ी को कुछ काम बाकी है, मैं धीमे धीमे अपने घर का काम करवा रहा हूँ, तो हर दिन टाइम नहीं मिलता है, तो हाँ देखते हैं अभी। ब्रूनो अशोक आए ना रे बाबा, डाक ले पड़ा आशीष ना आए दिगा अशोक अशोक ऐसे ही भागता रहेगा सारा दिन, एक बार इधर से उधर, एक मिनट एक जगह नहीं बैठता ये लड़का, एक मिनट भी नहीं। अरे भाई क्या खिला के पैदा किया था तेरी माँ ने। सो जो भी हो, मैं अभी थोड़ी देर बाद नीचे जाऊंगी चीचा के पास, उसको बोलूंगी कि चलो बैडमिंटन खेलते हैं, या अभी तो थोड़ा धूप है, धूप थोड़ा कम हो जाए उसके बाद खेलेंगे बैडमिंटन। तब तक के लिए मैं थोड़ा टेरेस पे जाना चाहती हूँ, तो मैं उसको पूछूंगी कि तो चीचा तुम जाओगे कि नहीं, अगर वो जाएगा तो हम दोनों थोड़ा टेरेस पे घूम के आएंगे, उसके बाद काइट्स उड़ा रहे बच्चे लोग वो देख के आ जाएंगे। सो मैं चाचू के साथ टेरेस पे आई हूँ ग्रीन टी लेके। मैंने चाचू से पूछा कि चाचू ग्रीन टी पियेंगे क्या, चाचू ने बोला हाँ पी लेते हैं लेके आओ, तो मैं ग्रीन टी लाई एंड मैं दिखाती हूँ। वो देखो कितने सारे पतंग हैं, इधर भी एक है, वो देखो सारे लोग पतंग उड़ा रहे हैं। गया ये है। वो देखो एक पर्पल वाला यहाँ पर क्या डाला है, शिप का पॉटी ना? हाँ वो शिप का ही पॉटी है, हमारे यहाँ तो गोबर डालते हैं। हमारे यहाँ पे शिप का ही डालते हैं क्योंकि शिप का पॉटी सस्ता है। क्योंकि मिलता नहीं है ये बोलो। नहीं मिलता नहीं है, बहुत मिलता है, कॉस्टली है। कॉस्टली है बोल के वो शिप का डाल दिया। द नेक्स्ट डे हम लोग आए हैं हमारे स्पिरिचुअल मदर के घर, उन्होंने बुलाया है क्योंकि हर 25th को, दिसंबर 25th को यहाँ पे मास होता है। सो 25th को नहीं हुआ था, अम्मा नहीं थी यहाँ पे, इसीलिए हम लोग आज कर रहे हैं वो। और नीचे भी है काफ़ी सारे लोग, हम अभी टेरेस देखने आए हैं इन लोगों का, काफ़ी बड़ा टेरेस है। Food is meant for the stomach and the stomach for food, and God to destroy both one and the other. The body is meant not for fornication. Take all we have, make them thine, O Lord. Take all we have, make them worthy of your love. Send your blessings from above. Make them thine. Who will be given up for you?